चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है और हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट पार्टी करने के लिए। पार्टी इसलिए क्योंकि आज मेरा शादी का सालगिरह है, आज मेरा शादी का दूसरा साल है। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैं अपने होम टाउन बेगूसराय में सेलिब्रेट किया और सेकेंड ईयर मैं बैंगलोर, तो यहाँ पर मैं सोचा रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करूँ। और हम लोग पूरा फैमिली आए हैं, मम्मी पापा और वाइफ और मेरा बाबू सिवाय भी है, जो कि काफ़ी परेशान किया। ये रेस्टोरेंट पहुंचते ही काफ़ी रोने लगा, कितना भी से चुप कराने का कोशिश किया बट ये चुप नहीं हो रहा था। फाइनली इसकी मम्मी उसको हैंडल की, मैनेज किया हम लोगों ने इसको। बाबू के शांत हो जाने के बाद मम्मी पापा पहले ही डिनर कर चुके थे, फिर मैं और मेरी वाइफ आने के बाद डिनर किया और फाइनली लास्ट में हम लोगों ने एक बैठना डिसाइड किया। उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारा फोटो सेल्फीज लिया और सेल्फी लेने में हमारा वहाँ वेटर जो है रेस्टोरेंट का हेल्प किया, उसने ही ये वीडियो शूट किया है और फोटो भी सारे क्लिक करते हैं। तो फाइनली ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, सप्तमी मेडिकल कॉलेज के पास है ये रेस्टोरेंट। अगर आप लोग बैंगलोर में इस लोकेशन पे हो, लोकेशन पे, तो आप इस कैफ़े में जा सकते हो। इस कैफ़े का नाम है बैंकोहोलिक कैफे रेस्टोरेंट, अपोजिट सप्तमी मेडिकल कॉलेज। ओके, तो ये देखिए फाइनली हम लोगों ने केक काटा। ये केक काफ़ी ही सॉफ्ट था और काफ़ी अच्छा था और यहाँ का डिनर भी काफ़ी अच्छा था। डिनर में हम लोगों ने ऑर्डर किया था स्टार्टर में 65 पनीर और फिर उसके बाद डिनर में मैंने ऑर्डर किया कढ़ाई पनीर, पनीर की प्याजा, नान, अच्छा पराठा और तंदूरी रोटी, जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो आप लोग रेस्टोरेंट खोज रहे इस लोकेशन पे तो ज़रूर आप लोग बैंकोहोलिक रेस्टो कैफे जाए और वहाँ पे जाके डिनर का लुत्फ उठाए। और लोकेशन भी काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा था। और फाइनली हम लोग का हो गया, अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस रिजर्वेशन करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहें इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।